बाइक कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना कुछ लड़कों के लिए, ये भी उन्हीं में से एक है जिनको अभी फ़ोन करना है। इनकी बाइक की हेडलाइट किसी ने तोड़ दी है, गुस्से में आके सोसाइटी ग्रुप पे मैसेज आया एक, जिसने भी मेरी हेडलाइट तोड़ी है मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। मुझे नहीं तोड़वाना है मुंह, तो मैं तो नहीं फ़ोन करूंगा, पर अगर मिशिका करेगी तो शायद मुंह ना टूटे, ट्राई करके देखते हैं। कॉल करता हूँ। हेलो, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली कौन बोल रहा है? आपकी हेडलाइट वो टूट गई थी ना। आपने तोड़ी है? एक्चुअली मैं बहुत अकेले रहती हूँ, और जब कार बैक भी हो रही थी ना, तो आई वाज लाइक इन डीप थिंकिंग कि मैं क्या बताऊँ, मतलब वो ना ऐसे थोड़ी सी हिट हो गई। आप रहते कहाँ हो? मैं यहीं पे ही रहती हूँ, ए ब्लॉक में, मोस्टली अलोन। अरे कोई बात नहीं, बट आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई नहीं। मतलब लेकिन आप अपनी हेडलाइट से बहुत प्यार करते होंगे ना, बिकॉज बाइक तो एकदम बच्चे के जैसी होती है। नहीं, मेरे को नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, बाइक बच्चे को भी चोट लगती रहती है, कोई बात नहीं, बाइक को भी लग गई तो मैं कर दूंगा, उसको ठीक करवा लूंगा। आर यू श्योर? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप ए ब्लॉक में अकेले रहती है ना? हाँ, मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम अलोन ओनली, इसे खाली, फ्री, अकेले, बट आई एम वेरी सॉरी। पर आप रात को ट्रैवल कैसे करेंगे, मतलब आपको कुछ दिखेगा कैसे, क्योंकि आपकी तो हेडलाइट ही टूट चुकी है। अरे तो के रात में ट्रैवल करेंगे क्यों, अपना दिन में बाइक चलाएंगे, सुबह से लेके शाम तक काम खत्म कर लेंगे। वैसे भी तो अच्छे घर के लड़के होते हैं ना, वो शाम तक अपने घर आ जाते हैं। या दैट्स लाइक सो नाइस ऑफ यू, स्टिल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। तो के आप सॉरी मत बोलो, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। एक्चुअली मैं सॉरी इतना इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपने ग्रुप पे लिखा था ना कि जिस इंसान ने भी हेडलाइट तोड़ी आप उसका जाके मुंह तोड़ देंगे, तो अरे मतलब आप कैसी बात कर रहे हो? आप ए ब्लॉक में अकेले रहते हो, अब मैं आपको, आप दिल तो आप छोड़ो, मुंह तोड़ने की तो छोड़ो, मैं दिल भी नहीं तोड़ सकता किसी का। ओके, मैंने कहा था ना कि अच्छे लोग हैं। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। भाई साहब, मैं फालतू घबरा रहा था, आपको मालूम है? कौन? मैं इनका पति बात कर रहा हूँ। मैं घबरा गया था व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज देखते ही कि मुंह तोड़ दूंगा जिसने मेरी हेडलाइट तोड़ी है, तो मैं वही बोल रहा था कि भाई साहब तो मुंह तोड़ेंगे, पर मेरी मैसेज ने बोला ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये किसी का मुंह तोड़े, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत भले इंसान हो आप। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी मैं चला रहा था, साथ में बैठी हुई थी ना मैडम, तो बस ये साथ में थी, बैक करते करते। नहीं, मैडम ने बोला वो अकेले रहती हैं 9 से 5 ना, क्योंकि मैं ऑफिस जाता हूँ ना। अबे भाई साहब, मेरे को मेरी गाड़ी, मेरी बाइक हेडलाइट ठीक करवा के देगा तू बाइक की? अभी आपने भाभी जी से बात तो करी है? 5,000 रुपए लग रहे हैं, सुन 5,000 रुपए लग रहे हैं, मैं तेरे घर पे बिल भेज रहा हूँ, या तो मेरे घर आके पैसे देके जा। नहीं, अभी आपने भाभी जी से बोला ना कि कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक करा लोगे? भाभी जी से तू अपने आप निपट लियो, पहले तू मेरे को इसके पैसे। भैया आप मेरी बात सुनो, आपने अभी मुझे बताया कि जो बाइक है वो बच्चे की तरह होती है, बच्चे को यहाँ वहाँ चोट लगती रहती है। अरे तो मेरे लिए मेरी से प्यार है मेरी बाइक, लेकिन चाहिए। लेकिन आपने अभी भाभी को भी तो पूरा वादा किया था ना, भाभी जी आप बोलिए ना भैया को। आप तो कह रहे थे कि आप मेरा मुंह नहीं तोड़ेंगे, मतलब मैंने आपको कितनी बार सॉरी बोला। भाई साहब से बात कर रहा हूँ। भैया मैंने आपसे बोला ना, और आपको मैंने कितनी बार सॉरी कहा भैया प्लीज। अपने यार पति श्री से बात कराओ यार अपनी। हाँ, हम तो बात कर रहे हैं। अच्छा, भाभी से नहीं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं? बताइए। आप जी चुपचाप से मेरे 5,000 रुपए दे दीजिए, वरना मैं आपका जेन्युइनली मुंह तोड़ दूंगा घर आके। नहीं दे रहे, अपनी गाड़ी बचा लियो, रुक जा तू। भाई मत आना, भाई रुक जाओ, तुम तो बहुत डेंजरस आदमी हो भाई। मैं रेडियो मिर्ची से पंकित बात कर रहा हूँ, मेरे साथ मिशिका है। तो आपको पता है कुछ बाइक का किसने किया है? मुझे तो नहीं पता है भाभी जी। आप नहीं? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं पता। भैया इनको भी नहीं पता। दिमाग की दही मत करो, मराओ, फोन मत करना यहाँ पे,